Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram. Daily Vocabulary Word is Highlight. It was a request by Stay with Kamran, and Kamran, here's your lesson. Highlight is a verb and noun as well. As a verb भी ये use होता है, as a noun भी ये use होता है, और इसके चार different meanings हैं. मैं एक एक करके सारे meanings आपको explain करती हूँ, और ये भी बताती हूँ कि कहाँ पर as a verb ये highlight use होगा, और कहाँ पे as a noun use होगा, ठीक है? जो पहला मतलब है, to emphasize something to make people notice it. कोई बात है, कोई चीज़ है, उस पर अगर कोई इंसान उसको एम्फसाइज करे, उसके उसको ज़रा प्रोमिनेंट करे, ठीक है, उसके बारे में बात करें या किसी भी तरीके से उस बात के ऊपर वो एम्फसाइज करे, ताकि बाकी लोग उसको नोटिस करें, ताकि लोगों को उस बात के बारे में पता लगे, ठीक है? तो इसका मतलब है कि उस इंसान ने उस बात को हाईलाइट किया है. हाईलाइट करने का मतलब ये कि उसने उसके ऊपर थोड़ा फोकस किया है, उसने उसको थोड़ा एम्फसाइज किया है, उसको थोड़ा प्रोमिनेंट करने की कोशिश की है, ताकि इस तरीके से किए कि ताकि लोगों की तवज्जो उसकी तरफ आए, लोग उसको नोटिस करें, लोगों को पता लगे कि ये बात ऐसी है. तो इस मीन के उस इंसान ने उसको हाईलाइट किया है. जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह से समझ ले, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनती है, कोई एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, और वो डॉक्यूमेंट्री जो है ना, वो बनी है कि ये जो गुर्बत है दुनिया के अंदर, इसकी रीजंस क्या हैं. अब उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर उन्होंने उन रीजंस को, जिसकी वजह से पॉवर्टी है, भूख जो है दुनिया के अंदर, तंगदस्ती जो है दुनिया के अंदर, गुर्बत जो है, वो उसकी जो भी रीजंस है, उनके बारे में उनको हाईलाइट किया गया है. मतलब कि उनके ऊपर एम्फसाइज किया गया है, उनको बताया गया है, और उस डॉक्यूमेंट्री को देख के बाकी लोगों को पता लगेगा कि अच्छा, ये एक्चुअल रीजंस हैं जिसकी वजह से दुनिया के अंदर पॉवर्टी है, ठीक है? तो उस चीज़ के बारे में दुनिया को पता लगा. तो जो हाईलाइट करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रोमिनेंट करना, किसी भी चीज़ को थोड़ा नोटिस में लाना लोगों के, ठीक है? इसी तरह से जैसे आप सेकंड एग्जांपल देख लें कि कोई रिपोर्ट लिखी गई है जिसमें कि वो कहते हैं कि जी, दिस रिपोर्ट हाईलाइट्स दी कमिंग वाटर क्राइसिस. दुनिया के अंदर एक वाटर क्राइसिस आ रहा है, ठीक है ना? पानी कम हो रहा है, जो पीने का हमारे इस्तेमाल का पानी है वो दुनिया में कम हो रहा है. अब कोई रिपोर्ट उसके ऊपर आती है, वो रिपोर्ट जो है इस इशू को हाईलाइट कर रही है, मतलब इस इशू को प्रोमिनेंट कर रही है कि भाई, दुनिया में पानी क्राइसिस, वाटर का क्राइसिस आने वाला है, तो इसके लिए आप जो है पहले से ही जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं वो ले लें, ठीक है? इसी तरह से जैसे कोई इंसान जो है, वो जब भी आपके बारे में बात करता है, आपके नेगेटिव पॉइंट्स को ही जो है ना, वो हाईलाइट करता है, मतलब कि नेगेटिव पॉइंट्स को ही प्रोमिनेंट करता है, इसमें तो ये गड़बड़ है, इसमें ये गड़बड़. तो आप कह सकते हैं कि ये इंसान हमेशा मेरे नेगेटिव एस्पेक्ट्स को क्यों हाईलाइट करता है, मेरे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को क्यों नहीं हाईलाइट करता, मतलब कि उसको क्यों नहीं बात करता, उस पर क्यों नहीं एम्फोसिस करता, उस पर क्यों नहीं गौर करता, तो और दुनिया के सामने, ताकि मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स भी दुनिया को पता लगें, ठीक है? इसी तरह से जैसे किसी इंसान का कहीं पर कोई कहीं जैसे चीफ गेस्ट वगैरह आते हैं ना किसी भी इवेंट के अंदर, ठीक है? अब उनकी एक इंट्रोडक्शन होता है, जो भी स्पीकर वहाँ पे होता है वो मतलब एक इंट्रोडक्शन स्पीच देता है, फिर उनको बुलाता है. तो एक चीफ गेस्ट कह सकता है कि भाई, इन्होंने जो भी इंट्रोडक्शन दिया है ना, इसमें मेरी जो अचीवमेंट्स हैं उसको तो हाईलाइट ही नहीं किया, मतलब कि उस पर एम्फोसाइज ही नहीं किया, उनको मेंशन ही नहीं किया, उनके बारे में बात ही नहीं की कि जो सामने ऑडियंस बैठी है उनको पता लगे कि मेरी क्या क्या अचीवमेंट्स है, ठीक है? तो हाईलाइट, किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने का मतलब ये होता है कि उस चीज़ को थोड़ा प्रोमिनेंट करना, ताकि लोगों को उसके बारे में पता लगे, ठीक है? ये इसका पहला मतलब है, ये एज ए वर्ब यूज होता है. अब इसका सेकेंड मतलब समझ रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मेमोरेबल पार्ट ऑफ समथिंग. किसी भी चीज़ का इम्पोर्टेंट पार्ट क्या था, या याद रहने वाला पार्ट क्या था, या अहम पार्ट क्या था, वो उस चीज़ की हाइलाइट्स होंगी. इसको ये एज ए नाउन यूज़ होता है. इसको याद करने का आसान तरीका है मैच की हाइलाइट्स. आप देखिएगा, क्रिकेट मैच की हाइलाइट्स चलती है ना, वो क्या होती है कि पूरा मैच है ना, ये वनडे हुआ है, वो पूरे दिन का एक पूरा मैच होता है, ठीक है? आप देखिएगा कि रात को उसकी हाइलाइट्स चलती हैं, वो हाइलाइट्स का क्या मतलब होता है कि मैच के जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, या मेमोरेबल, पूरा मैच तो नहीं दिखाते, उसमें से फिर इम्पोर्टेंट पार्ट्स उठाए जाते हैं, जो भी मेमोरेबल पार्ट्स होते हैं, जो भी विकेट्स ली गई होती हैं, या जो भी चौके या छक्के लगे होते हैं, जो भी मैच के इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, उनको उठाकर उनका वो एक मतलब एक घंटे का वो मैच बनाकर तो वो हाईलाइट्स दिखा रहे होते हैं. मतलब उसमें जो फालतू चीज़ें होती हैं वो फिर निकालते, सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्ट्स को पकड़ते हैं, ये हाईलाइट्स होती हैं. इसी तरह से किसी ड्रामे की हाईलाइट भी हो सकती है, किसी मूवी की हाईलाइट हो सकती है. कोई पूछ सकता कह सकता है कि यार, तुमने वो मूवी देखी है, मूवी की हाईलाइट बता दो सिर्फ मुझे, मैं तो वो नहीं देख सका,
ठीक है, तो वो सिर्फ आपको उस मूवी के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, जो भी इम्पोर्टेंट उसकी स्टोरी लाइन की इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपको बता देगा, और आपको पता लग जाएगा अच्छा ये मूवी में ये था। मतलब कि इम्पोर्टेंट और मेमोरेबल पार्ट्स जो होते हैं ना, या कभी आपने कोई ऐसी ऐसा मूवी देखी उसमें आपको कोई सी जगह पे लगा कोई सीन इतना ज़बरदस्त था कि आप कहें कि ये इस मूवी का हाईलाइट पॉइंट है, मतलब कि ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेमोरेबल पार्ट है कि ये सीन बहुत ज़बरदस्त था इस मूवी का। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेमोरेबल पार्ट होता है वो भी उसका हाईलाइट कहलाता है। अब ये एज ए नाउन होता है, ठीक है। अब इसका थर्ड मीनिंग समझ लें, टू मेक अ पीस ऑफ टेक्स्ट इन अ डिफरेंट कलर। आप देखिएगा वो एक हाईलाइटर आता है ना बाजार में, वो मिलता है डिफरेंट कलर्स में मिलता है, येलो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, डिफरेंट कलर्स में मिलता है। वो हाईलाइटर यूज़ किया जाता है जिन लोगों को पढ़ने की आदत होती है, और पढ़ते वक्त जो जो भी टेक्स्ट के अंदर इम्पोर्टेंट लाइंस होती हैं या इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसको वो प्रोमिनेंट करने के लिए उसको हाईलाइट करते हैं। वो टेक्स्ट के ऊपर वो जब हाईलाइटर को फेरते हैं तो उसका कलर जो है ना वो उसके ऊपर येलो या जिस कलर का भी आप करें, मैं भी यूज़ करती हूँ जब मैं बुक पढ़ती हूँ तो मैं हाईलाइटर बहुत यूज़ करती हूँ। ठीक है, कि जो भी इंपॉर्टेंट लाइन होती है, जो भी इंपॉर्टेंट उसके अंदर बात होती है आप उसको हाईलाइट कर देते हैं कि जब आपको कभी दोबारा आप बुक खोलें आपको लगे कि अच्छा वो फलां बात कहाँ लिखी थी, तो वो हाईलाइट चूंकि किया होता तो आपके लिए आसानी होती है उसको कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पर है, ये ऐसे है। ठीक है, तो वो जो हाईलाइट करना टेक्स्ट को डिफरेंट हाईलाइटर यूज़ करके जो टेक्स्ट को कलर दिया जाता है तो वो भी हाईलाइट करना होता है। ठीक है, अब ये भी ऐसे वर्ड है। इसका जो फोर्थ मीनिंग है, नैरो हेयर एरियाज मेड बाय डाइंग। ठीक है, ये खवातीन करती हैं, लड़कियां करती हैं, वो हाईलाइट्स बनाती हैं अपने बालों के अंदर। वो क्या करती है कि छोटे छोटे वो बालों के हिस्से लिए जाते हैं, छोटी छोटी लाइंस, कुछ बाल पकड़ के एक लाइन सी, और उसको डाई किया जाता है बड़े लाइटर कलर में कि जब वो एक बड़ा खूबसूरत सी हाईलाइट सी उनके जो है ना वो बालों में बन जाती हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रही, लड़कों को शायद ये चीज़ ना समझ में आए, तो आप गूगल कर लीजिएगा कि हेयर हाईलाइट्स, तो आपको पता लग जाएगा। अच्छा, वो छोटे छोटे पार्ट्स पकड़ के ना बालों के, तो उनको डाई किया जाता है, तो उनको भी हाईलाइट कहा जाता है। ठीक है, ओके जी, अभी इसको मैं आई होप कि आपको इसके चारों मतलब जो मैं समझ में आ गए हैं। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ अ जर्नलिस्ट इज टू हाईलाइट द इशू इन सोसाइटी। कि एक जर्नलिस्ट की सबसे इम्पोर्टेंट जो ड्यूटी होती है ना, उसके काम की जो एक इम्पोर्टेंट जो उसका पार्ट है वो ये है कि वो सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स और जो इश्यूज चल रहे होते हैं, जो लोगों की जिसकी तरफ तवज्जो नहीं आ रही होती, वो उनको हाईलाइट करता है। मतलब कि उन पे एम्फसाइज करता है, उनको प्रोमिनेंट करता है ताकि लोगों को पता लगे कि सोसाइटी के अंदर ये प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, हमें इनको भी सॉल्व करना है। ठीक है, ताकि लोगों को उसके बारे में पता लगे। तो जर्नलिस्ट की ड्यूटी ये होती है कि वो सोसाइटी के इश्यूज को हाईलाइट करे, मतलब कि उस पर एम्फसाइज करे, उसको प्रोमिनेंट करे, लोगों की तवज्जो उसकी तरफ दिलाए। अ सेकेंड एग्जाम्पल इज, आई मिस द मैच टुडे, दैट्स व्हाई आई एम वॉचिंग हाईलाइट्स नाउ। कि मैं चूंकि आज मैच मैंने मिस कर दिया तो इस वक्त मैं जो ना हाईलाइट्स देख रहा हूँ मैच की। थर्ड एग्जाम्पल इज, प्लीज हाईलाइट द स्टैटिस्टिक्स इन द एसे। कि कोई ऐसे है उसके अंदर जो स्टैटिस्टिक्स लिखे गए हैं ना, जिसको उर्दू में शुमारियात बोला जाता है, गैस अब हिंदी में मुझे नहीं मालूम स्टैटिस्टिक्स को कहा जाता है, जिसमें वो जो भी फैक्ट्स वगैरह होते हैं वो बताए जाते हैं, इतने परसेंटेज ये है, इतने परसेंट इस तरह से, किसी भी एसे के अंदर। ठीक है, तो प्लीज़ उसको हाईलाइट कर दो, मतलब कि वो हाईलाइटर को यूज़ करके जहाँ पर स्टैटिस्टिक्स बताए गए हैं उसके ऊपर उसको कलर जो है ना वो चेंज कर दो उस हाईलाइटर के थ्रू। ओके फ्रेंड्स, लेसन हैज कम टू द एंड, आई होप दिस लेसन वाज यूजफुल फॉर यू। फेल लाइक दिस लेसन, कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।